हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, FM विजन इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज फिर हम मतीन भाई के आ चुके हैं और 140 पटियाले कबूतरों का शौक कराने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रिंस हुसैन, मेरा वाइफ फरदीन खान, जैसे कि फरदीन खान ने बताया हम अपने उस्ताद के आए हैं। आप जानते ही होंगे उनका नाम काफ़ी मशहूर है क्योंकि हमारे उस्ताद हैं वो मतीन उस्ताद। और माशाल्लाह पूरी बरसात के बाद अब कबूतर का सीज़न आने वाला है, तो हमारे उस्ताद ने अपने 140 कबूतर का लश्कर तैयार भी कर लिया और उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। और आपको ट्रेनिंग अभी दिखाएंगे किस अंदाज से करते हैं। और कबूतरबाजी का जो असल मसला है वो हमारे उस्ताद से ही आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे उस्ताद जो है माशाल्लाह जो कबूतरबाजी जो करते हैं उस लेवल पर आपका भी मन करेगा उनकी जैसी कबूतरबाजी करने का। तो चलिए आपकी पहले उनसे मुलाकात कराते हैं अपने उस्ताद से, उनसे आप कुछ बातें सीख लें, उसके बाद आपको शौक कराएंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो कब से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से उस्ताद? ये देखें हमारे मतीन उस्ताद आपकी आज मुलाकात करेंगे। उस्ताद आपने कबूतर कितने सेट कर लिए? 140 माशाल्लाह, हमारे उस्ताद ने 140 कबूतरों को लक्सर सेट करा है। तो अभी ट्रेनिंग चल रही है इन कबूतरों की, घेरे लगा रहे हैं, तो अब ये कितने दिन बाद दौड़ देंगे अपने कबूतर? अगले महीने में 25 तारीख के बाद। माशाल्लाह ये आपको कबूतर, ये 140 कबूतर आसमान छूते हुए दिखाएंगे। माशाल्लाह कबूतर बहुत शानदार उड़ते हैं हमारे उस्ताद ने, और हमारे उस्ताद की बात ही अलग है क्योंकि हमारे जो उस्ताद हैं और हमें ये जो भी नॉलेज वगैरह है इनसे ही लेते हैं हम जो भी है। और आपको भी कुछ अगर आपके कबूतर उड़ाने में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने कबूतर सेट नहीं कर पा रहे, तो हमारे उस्ताद से बेझिझक उठ के आप आ सकते हैं, इनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये फिरोज़ाबाद में ही रहते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे भी पता कर सकते हैं। तो चलिए हम उनके उस्ताद के कबूतर दिखाते हैं। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह आप एक एक कबूतर देखें कितने खूबसूरत तरीके से सेट कर रखा। और ये देखें कबूतर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है इस समय, और काफ़ी चटक भी कबूतर में इस समय, और कबूतर में काफ़ी फुर्त भी एनर्जी महसूस हो रही है क्योंकि उस्ताद ने जो अपने खेल पानी जो नुस्खा है जो भी नुस्खे लगाते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। क्योंकि उस्ताद के हमारे जो उस्ताद के सागर हैं, जो हमारे उस्ताद के जो उस्ताद हैं उनका नाम है उस्ताद अकबर। उस्ताद अकबर की तालीम से ही जुड़े हुए हैं हमारे मतीन उस्ताद, और हम मतीन उस्ताद की तालीम से जुड़े हुए हैं, और आप भी जुड़ सकते हैं हमारे मतीन उस्ताद की तालीम से। क्योंकि आप देखें इनका शौक माशाल्लाह बहुत प्यारा है कि कबूतर का शौक करें आप, कितना प्यारा शौक है। ये देखें मऊ का हर कबूतर बड़ा है, टैनी कबूतर भी हैं तो वो भी बड़ा है माशाल्लाह। छोटे कबूतर पालने का हमारे उस्ताद को शौक़ नहीं है, और चुट्टियाई मुट्टियाई कबूतरबाजी करने का भी उन्हें शौक़ नहीं है, क्योंकि इनका जो है एक घंटे का शौक़ है। और वो शौक़ माशाल्लाह आपको अभी करके दिखाएंगे किस तरीके का, वाकई में आप भी कहेंगे कि हाँ इस तरीके से ही कबूतरबाजी करना चाहिए। और आप लोगों को भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे उस्ताद से राय ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, हमारे उस्ताद सबको देते हैं राय मशवरा। ये देखें कबूतर, आप एक एक कबूतर का शौक़ कीजिए। ये खैरा कबूतर कितना प्यारा कबूतर है, और एक ये तीतरा कबूतर है माशाल्लाह, ये कल पेटिया काला, ये देखें कितना प्यारा है। और ये वाला दिखाइए ऊपर वाला तीतरा कबूतर माशाल्लाह, ये देखें तीतरा कबूतर, आगे वाला तीतरा, ये देखें एक हुमर कबूतर भी है, ये देखें कितना बड़ा है माशाल्लाह। ये देखें भाई माशाल्लाह, ये वाला दिखाओ मक्सी, ये मक्सी दिखाओ माशाल्लाह, आप मक्सी का शौक कीजिए कितना प्यारा और कितना बड़ा मक्सी है। और ये देखें कल पेटी है कितना बड़ा है, रोगी दूंगा। ये देखें माशाल्लाह हमारे उस्ताद का लश्कर उठ चुका है आसमान पर, आप देखें किस तरीके से आसमान पूरा भर गया है हमारे उस्ताद के 140 कबूतरों पे। आप देखें, ये देखें इस समय हमारे उस्ताद इन कबूतरों को अभी उठा बैठक ही करा रहे हैं, और उठा बैठक में आप देख सकते हैं कितना अच्छा रुख रख रखा है कबूतर ने, और दौड़ भी दिखाएंगे कि कितनी शानदार तरीके से दौड़ करता है। इलाके में हमारे उस्ताद के आगे कोई भी कबूतर सारे फीके हैं, ये देखें माशाल्लाह। जैसे दिल्ली में बोलूँ कोई ऐसी उस्ताद ने कबूतरों का 2100 कबूतरों का
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ऐसे ही हमारे उस्ताद ने, मतीन उस्ताद ने पटियाले कबूतरों का, पटियाले टहनी बड़े बड़े कबूतरों का और 140 कबूतरों का रिकॉर्ड बनाया। और ये कबूतर ऐसे भागते हैं इलाके में फिरोजाबाद में, ऐसे कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको कबूतर, ये देखें। और अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं करी तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियो दिखाते रहेंगे बहुत प्यारी प्यारी, ये देखें। और इन कबूतरों की खास बात, बिना उदम धाड़ के उड़ते हैं, सिर्फ इशारे से उड़ते हैं। आप देखिए किस तरीके से इशारा कर रहे हैं और बल खा रहे हैं कबूतर, ये देखें, ये देखा, ये देखें हमारे उस्ताद सिर्फ इशारा कर रहे हैं कबूतरों को, उसी इशारे से उड़ रहे हैं इनके, ये देखें बहुत समझदार कबूतर है। ये देखें माशाल्लाह, ये उस्ताद लश्कर उतरने पर आ गया, ये देखें हमारे उस्ताद के इशारे पर उतर गया, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ऐ माशाल्लाह माशाल्लाह ऐ माशाल्लाह ऐ माशाल्लाह, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देखें भाई, ये सीन, ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, एक एक कबूतर का आप शौक ही दिए। ये वही कबूतर है जब ये आसमान पर छा रहे थे, अगर ऐसे कबूतर आपके इलाके में कहीं पर आसपास हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे इलाके में भी ऐसे कबूतर उड़ते हैं। ये देखें लश्कर फिर से एक बार उड़ गए माशाल्लाह, ये माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ओए भगवान दास के बंदा यार, ये देखे भाई इस कबूतर का शौक करें आप, कितने हसीन अंदाज से उड़ रहे हैं कबूतर भाई। इंशाल्लाह अगले सीजन में इंशाल्लाह हम भी इसी तरह से उड़ाएंगे अपने उस्ताद की तालीम से। ये देखें नेक पाई की फैट का निकला हुआ पीला कबूतर आप देख सकते हैं, क्रॉस से है और शानदार, दो है, एक है, ये दो हैं सेम टू सेम, ये देखें माशाल्लाह। आप एक एक कबूतर का शौक कीजिए आराम से। और अभी ये सीजन पे अभी एक अगले महीने जब दौड़ेंगे तो और आपको उसका भी शौक कराएंगे। ये देखिए काला कतला माशाल्लाह, काला दो बार दिखाओ भाई माशाल्लाह, ये देखें ये भी काला कतला ही है माशाल्लाह, ये देखें काला कतला, और ये देखें बबरा, ये देखा बबरा भाई माशाल्लाह, ये वाला, ये देखिए माशाल्लाह।
माशाल्लाह भाई जब अच्छा वो सिराजी बिल्कुल वो सिराजी दिखाओ माशाल्लाह ये देखिए हमारे उस्ताद ये देखिए हाँ अंदर ढाबली की बहुत ज़्यादा सफाई रहती है और उनका मानना भी यही है कहना भी यही है कि सफाई रखना चाहिए ढाबली के अंदर और ढाबली के अंदर अगर सफाई रहेगी तो कोई भी बीमारी नहीं आएगी कबूतरों में कबूतर स्वस्थ बना रहेगा और अच्छा उड़ेगा ये देखें ये दो बास देखें पटेस दो बास इसका शौक करें ये देखें हमारे उस्ताद अभी इस समय ये वाला बाजरा दिख रहे हैं आप देखें पानी का भीगा हुआ बाजरा ये देखें आप अभी यही बाजरा दे रहे हैं ये देखें माशाल्लाह एक कबूतर आ गया हमारे उस्ताद के यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह एक कबूतर आकर बैठ गया ऊपर आप देख सकते हैं उस्ताद के ऊपर ही सर पर बैठा हुआ आप देखें इसको उतारते हैं हमारे उस्ताद भाई ये कबूतर अब देखें आता है कि नहीं बैठ गया भाई ये देखें फाइनली अब कबूतर बैठ गया हमारे उस ऊपर बैठ गया ये देखें उस्ताद को पकड़ने का अंदाज अभी उस्ताद उसको रुक गए अब नीचे बिठा कर पकड़ेंगे अब देखें ये आ गया ये आ गया ये आ गया कहाँ मैं तो पैसा पकड़ो 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 अब देखें उस्ताद उसको किस तरीके से पकड़ेंगे आप देखें ये देखें पकड़ लिया उस्ताद ने ये दिखाओ 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 ये देखें भाई उस्ताद ने फाइनली एक उधर पकड़ लिया है ये देखें भाई अभी अभी आकर बैठ उस्ताद ने उसको पकड़ लिया देखें ये देखें माशाल्लाह कबूतर आ गए ये देखें दोस्तों आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट कर बताएं कि आपको उस्ताद के कबूतर कैसे लगे तो अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अब एक काम